हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक इफेक्ट के बारे में जो आप काफी आसानी से यूज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड केशियो सिटी के 6300 एंड 7300 आईएन में। एंड इसी के साथ इस इफेक्ट को आप अपने लाइव शोज स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। काफी अच्छी इफेक्ट है एंड ये इफेक्ट ज्यादातर संतूर की टोन हो गई, सितार की टोन हो गई एंड इस तरह से जो भी हमारी टोन्स है, सेपरेट टोन्स है, उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। एंड इसे यूज करने के लिए आपको ऑन करना है अपना ऑटो हारमोनी। एंड ऑटो हारमोनी ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर आना है 44 नंबर पर। तो यहाँ पर इसकी अलग अलग चार वेराइटीज दी हुई है, 42 से लेकर 45 तक। रिपीट इसका नाम है, इस इफेक्ट का नाम रिपीट है। रिपीट 1, 2, 3, 4 आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रिसेंटली मैं जो इफेक्ट यूज कर रहा हूँ वो है रिपीट 3। एंड इस इफेक्ट को आपने काफी सारे सॉन्ग में भी सुना होगा, तो जैसा कि हम एक डेमो देखते हैं जिसमें हम जानेंगे किस तरह से एक सॉन्ग में हम प्ले कर सकते हैं। तो अगर आपने कर्मा सॉन्ग सुना है तो उसका जो बैंजो का पार्ट है वो कुछ इस तरह से प्ले होता है। इसी के साथ अगर आप इसका पूरा म्यूजिक प्ले करेंगे साथ ही साथ ये सॉन्ग के अलावा अगर आप कुछ एटमोसफियर क्रिएट करना चाहे, क्लासिकल एटमोसफियर क्रिएट करना चाहे संतूर की टोन के साथ, फिर भी कर सकते हैं। एंड अगर आप इसके पैरामीटर्स एडजस्ट करना चाहते हैं तो अभी आप अगर यहाँ पर सुनेंगे तो ये फास्ट, इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट है। इसकी आप प्रोसेसिंग देख सकते हैं कि इसका जो टेम्पो है वो काफ़ी फास्ट है। ये 197 है अभी, सॉरी 195 है। यहाँ पर अगर हम इसे कम करते हैं और इसे लेकर आते हैं 120 पर, तो इसका जो प्रोसेसिंग है, जो पीछे प्रोसेसिंग हो रहा है, वो कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आप चाहे उस तरह से इसका टेम्पो बढ़ा सकते हैं। एंड एटमोसफियर आप जैसा क्रिएट करना चाहे, टेम्पो बढ़ाकर कम कर इसका एटमोसफियर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस इफेक्ट के साथ अगर आप कोई भी टोन प्ले करते तो आपको एक खास बात का ध्यान रखना है। आप जब भी की को प्रेस कर रखेंगे तभी इसका इफेक्ट आएगा। अगर आप प्रेस कर तुरंत छोड़ देंगे तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे प्रेस कर रखा इसलिए इफेक्ट आ रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, बट सेम चीज़ अगर हम इसे प्रेस कर छोड़ देंगे तो ये किस तरह से होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आप इसे वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल अगर प्ले करना है तो आप 1x1 प्ले कर इसे छोड़ सकते हैं। अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो आपको इसे प्रेस करके रखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमें कमेंट कर जरूर बताएं इस इफेक्ट को यूज करने के बाद अपना एक्सपीरियंस। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।